चार फिल्म एक्टर आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आज जो नवरात्रि उत्सव में यहाँ पर आए हुए मंडल में अपना ये सहयोग देने के लिए क्या कहना चाहेंगे, हम उनसे जानेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी नवरात्रि उत्सव हर जगह में मनाया जा रहा है और क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम जय भवानी मित्र मंडळातर्फे मला आमंत्रण देऊन देवीची पूजा करायला माझी संधी मिळाली त्याबद्दल धन्यवाद। मयेकर साहेबांचं आणि आमचे खास करून गुरुबाई यांचे आभार आणि तमाम या महिला वर्गांचं आणि तमाम सगळ्या सभासदांचं आभार। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नवदुर्गेचा हा उत्सव आहे, हा सगळ्यांनी मिळून करायचा उत्सव आहे आणि मला असं वाटतं की या निमित्तानं सगळे एकत्र येतात, कुठलाही भेदभाव नसतो, गुण्यागोविंदाने आनंद एकत्र येतात, हीच एकोप्याची भावना शेवटपर्यंत राहू दे आणि माणूस म्हणून जगायला आपण एक या निमित्तानं आपण शिकतो आणि ही भावना कायम राहू दे। आणि मला असं वाटतं या जय भवानी मित्र मंडळातर्फे जो उत्सव साजरा केलेला आहे, मला वाटतं पुढचं 25वं वर्ष आहे, तर या 25 वर्ष पुढचं 50 वर्ष 100 वर्ष असे वर्ष होत राहू दे आणि खूप चांगला उत्सव हा साजरा होतो आणि प्रत्येक आम्हाला येण्याची संधी मिळते। थँक्यू, थँक्यू। हमारे साथ गुरु भाई भी है, हम उनसे भी जानेंगे, उन्होंने वो भी आए, तो गुरु भाई क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर आज नवरात्रि उत्सव मनाते आए, अभी 24वां साल है, क्या कहना चाहेंगे? जय भवानी मित्र मंडल के यहाँ पे मतलब सब सिस्टमेटिक होता है, आपने देखा होगा, मतलब सब सिस्टमेटिक, यहाँ जो गेस्ट आते हैं उनका आदर सत्कार और सब मैनेजमेंट सब एकदम बढ़िया रहता है। अगला साल तो नेक्स्ट ईयर तो 25 साल हैं तो वो तो कॉलोनी में मतलब एक हंगामा जल्लोश हो जाएगा मतलब, और या में मुझे भी जुड़ने मिलते हैं वो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मतलब जय भवानी मित्र मंडल, अगर देखा जाए अभी हर जगह जगह में एक तनाव का वातावरण है, आपको तो पता है जिस तरीके से जो आतंकवादी हमले हुए थे उसमें एक तनाव का वातावरण है, और ऐसे में भी लोगों में खुशी देखी जा रही है कि लोग खुश है और काफ़ी खुशी से एक दांडिया रसिक दांडिया या आयोजन किया जाता है और दांडिया में शामिल होते हैं। और सुरक्षा के बारे में कहा जाए तो किस तरीके की सुरक्षा होना चाहिए और ये मंडल किस तरीके की सक्रिय रहता है, आपको तो पता है? नहीं नहीं, यहाँ पे मतलब खास करके महिलाओं को तो अच्छी तरह मतलब सुरक्षा दी जाती है, मतलब सब सेफ रहती है, मतलब इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिला वर्ग यहाँ पे दांडिया खेलने के लिए आते हैं मतलब, और कॉलोनी में सबसे ज़्यादा भीड़ तो यही पे रहती है मतलब महिला मंडल। बस शुक्रिया। भाविकों को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सबने एक साथ मिलजुल के मतलब रहना चाहिए, जिससे मतलब ये आतंकवाद का जो कुछ डर है मतलब ये करके वो निकल जाएगा भूत मतलब, और सबने मिलजुल के रहना, बस यही संदेश। ओके, शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला है, दोपहर से इस महाप्रसाद के लिए यहाँ पर बैठी हुई है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोगों के लिए, जो भक्तगण दूर दूर से आते हैं उनके लिए यहाँ पर पैकिंग किया जा रहा है, और अभी तक उन्होंने कम से कम लगभग 2-3 हज़ार ऐसे पैकिंग यहाँ पर कर चुके हैं। आइए हम उनसे जानेंगे अभी तक उन्होंने कितने ऐसे बॉक्स पैकिंग किए और कितने लोग अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि कभी से आप ये पैकिंग करें और अभी तक कितना पैकिंग कर चुके हैं? नहीं, अभी तक दोपहर से हम लोग बैठे हैं इसे, फिर अभी तक 1,500 का ऊपर हम लोग का हो गया पैकेज सर। नहीं, ये भगवान का है, देवी का ही ये चल रहा है, इसलिए हम लोग को मन से हम लोग सेवा कर रही है और ये करने में हम लोग को बहुत खुशी आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने साल से मंडल 24 साल अभी चल रहा है? अच्छा, हे मंडळ जेव्हा स्थापना झाली आहे तेव्हापासून आम्ही इथे काम करतो आहे, 24वं वर्ष आहे मंडळाचं। आम्हाला खूप आनंद वाटतं की असं स्वतःच्या हाताने प्रसाद करून भक्तांना सगळ्यांना वाटायला, त्याचं आम्ही खूप समाधानी आहोत, सगळ्यांनी आमच्या हाताने प्रसाद वाटला जातो। नहीं, बहुत खुशी होती है कि ये काम कर रहे हैं, अभी 2,000 बॉक्स ऐसे कार्टन्स भर के अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, हम खुद करते हैं, ये 24 साल से चालू है। हाँ जी, हाँ।
आपने देखा कि खुद यहाँ की महिलाएं खुद मेहनत करती है और खुद महाप्रसाद को खुद यहाँ पर बैठ के खुद इतना तकलीफें उठाकर उनको एक आनंद आता है, खुशी की बात है कि उनके हाथों से एक छोटी सी सेवा हो रही है माता रानी के लिए। यहाँ पर लाखों भाविक आते हैं, अभी तक उन्होंने 1500 बॉक्स पैकिंग किए हैं, प्रसाद को अभी तक लोगों में बांटा है और उनको काफ़ी खुशी महसूस होती है कि ये काम करने से, और वो लगातार 24 सालों से ये करते आ रहे हैं और हर साल वैसे ही करना चाहते हैं कि उनकी ऐसी इच्छा है। कैमरामैन विजय के साथ में स्टीवन जॉन, CN न्यूज मुंबई। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपका मंडल यहाँ पर नवरात्रि उत्सव मनाता आया है और ये 24वां साल है, क्या कहना चाहेंगे? ये 24वां साल है हमारा जय भवन और उत्सव मंडल, जो पिछले 24 साल से हम इसी जगह पर ये उत्सव मना रहे हैं। धीरे धीरे पहले हमने जब शुरू किया था तब बहुत छोटे पैमाने में रिस्पॉन्स था, मगर अब इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पर हर दिन जो आरती, वहाँ पर कम से कम 250 से 500 लोग आरती के लिए यहाँ पर जमा होते हैं और सब स्थानिक यहाँ पर यहाँ के लोग जो है और हर लेडीज़ और जेंट्स सब मिलकर आरती करते हैं, माँ दुर्गा की सेवा करते हैं, जागरण करते हैं। यहाँ पर जो कहा जाता है कि जिस तरह माँ दुर्गा की जो आरती होने के बाद जो घाघरी फूकने, जो मराठी में एक जो एक रीजन होता है, उस तरफ से पूजा अर्चना होती है। और जो आरती के वक्त आप लोग देखेंगे माहौल, अभी आरती हो चुकी है, अब आप रात को 12 बजे महाआरती जो आखिरी दिन होती है, उस आरती के वक्त जो देवी का जो संचार होता है वो बहुत से महिलाओं में होता है और उसके बहुत बड़े भक्तिभाव से यहाँ पर जो उत्सव मनाया जाता है। और भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, मगर माँ दुर्गा की जो हम यहाँ पर जो सेवा करते हैं प्रतिदिन, हमारे सभी कार्यकर्ता 9 दिन उपवास रखते हैं और उस 10वें दिन जब सीमांगोलन करती है माँ, तो उस दिन उसका उद्यापन होता है पूरे भक्तिभाव से, शास्त्रोक्त पद्धति से यहाँ पर जो पूजा भाव भक्तिभाव होता है। और तिलक नगर में सबसे पहली देवी है और यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ पर दांडिया जो करते हैं जागरण के लिए, वो सभी लोगों के लिए होता है, उस पर कोई चार्जेस नहीं होता और बहुत अच्छी तरह से लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बाहर के भी लोग आते हैं और जहाँ यहाँ से कॉलोनी में से छोड़कर जो लोग गए हैं पिछले 5-10 सालों में, वो भी इस 9 दिन में ज़रूर आते हैं और हाजिरी लगाते हैं और माँ का आशीर्वाद पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर सुरक्षा के बारे में देखा जाए? आपको तो पता है जिस तरीके से आतंकवादी हमले हुए और जिस तरीके से तनाव है हर जगह में, तो क्या किस तरीके की सुरक्षा आपके मंडल की ओर से, जैसे महिलाओं को लेकर या बाकी सारी चीज़ें? आपको तो पता है जैसा छेड़छाड़ी होती है, जैसा चेन स्नैचिंग जैसी चीज़ें हैं, जैसा एक ऐसे अध्यात्म व्यक्ति जो घूमते हैं जिसपे अपने को पता नहीं होता है, तो किस तरीके से आपका यहाँ पर बंदोबस्त किया जाता है, जैसा CCTV हो गया या फिर आपके कार्यकर्ता हो गए या पुलिस की तरफ से किस तरीके का यहाँ पर बंदोबस्त किया जाता है? देखिए जो छेड़छाड़ी वगैरह जो होती है या चेन स्नैचिंग, ये तो यानी क्या कहते हैं ना कि सुसाइड अगर कोई करना डिसाइड करे तो उसे कोई रोक नहीं सकता, या टेररिस्ट वगैरह जो भी होता है उसके रोकना तो मुश्किल होता है। फिर भी पाबंदी लगाते हमारे कार्यकर्ता जो होते हैं, जो प्रोग्राम के भी आरती जब होती है, जो दांडिया चल रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता चारों ओर फैले हुए रहते हैं, वो हर तरह से देखते हैं कि किस तरह से लोग कोई मिसयूज नहीं हो रहा है ना गर्दी का एडवांटेज न ले, ये सब करते हैं। और पुलिस का बहुत सहकार रहता है कि उनके जो पुलिस ऑफिसर जो है बिट्स वाले, वो घूमते रहते हैं और रात को आकर पूछते हैं आज कुछ न्यूसेंस हुआ या कोई अनोन व्यक्ति, आपको हमने सीसी कैमरा भी लगाया था, मगर क्या होता है कि क्राउड कंट्रोल नहीं होता है, मगर अभी तक तो आज इतने सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं है। अच्छी तरह से पुलिस हमारे पास ही है तो हमें प्रोडक्शन मिलता ही है। और तिलक नगर में जहाँ तक हमने देखा है कि क्राउड बहुत ही डिसेंट का और मिडिल कास्ट है, टोटल मिडिल क्लास है, तो मैंने ऐसा होता नहीं, मगर फिर भी हम लोगों से हमें अनाउंस करते हैं कि आप अपने ज़्यादातर आभूषण पहन के ना आए, ज़्यादातर आप इंजॉय करें, अपने रेसी का प्रदर्शन ना करें, यही हम कह सकते हैं, क्योंकि आप आमंत्रण न दीजिए, यानी न्योता न दीजिए कि आप सामने आकर आप हमें ये मौका दे किसी को। तो आप देखिए जितने भी महिला यहाँ पर आती है ना, जो भी वो भक्तिभाव से वो ये करने आते, देवी को समर्पित करने आते अपनी पूजा वक्त, यहाँ नहीं कि ये फैशन मैंने क्या ना कि बढ़ा चढ़ा अगर यहाँ कोई आता नहीं है, जो भी ये सब भक्तिभाव से यहाँ पर आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम भी सभी लोग जो है जो 9 दिन हर दिन छुट्टी वगैरह, रात को जागरण होता है, लड़के सवेरे जागरण करते हैं, फिर सवेरे की टीम आती है, उसके बाद दोपहर के लोग आते हैं, इस तरह से पूरी तरह से 9 दिन हमें लगता है यही घर होता है हमारा। तो अभी तक तो माँ दुर्गा की आशीर्वाद से अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आगे होगा नहीं, इसका हमें आशा। आपने देखा किस तरीके की यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है और सुरक्षा के बारे में देखा जाए तो खुद मंडल के जो लोग होते हैं कार्यकर्ता, वो खुद तैनात होते हैं कि ऐसी कोई भी वारदात या कोई भी ऐसी घटनाएं ना, और अभी 24 साल चल रहा है अभी तक ऐसी कोई घटना ही नहीं, और काफ़ी लाखों भाविक यहाँ पर आके देवी का लाभ दर्शन लेते हैं और जो महाप्रसाद भी आज रखा गया है उसका भी लाभ लेने के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। काफ़ी पुराना एक मंडल माना जाता है और एक लोकप्रिय मंडल है और एकदम सक्रिय ऐसा मंडल है जो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ों का देखा जाए तो
ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर ना होने के लिए पूरी तरह से मंडल के कार्यकर्ता अध्यक्ष सभी लोग तैयार रहते। कैमरामैन विजय के साथ में स्टीवन जॉन, CN न्यूज मुंबई। इंसान छोटा हो या बड़ा पहचाना जाता है अपने काम से। मैं आपको एक ऐसे दिग्गज नेता से मिलाना चाहता हूं जिनका चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है और वो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। आज हमारी उनसे मुलाकात उनके घर पर मुंबई में हुई है। हम उनसे कुछ जानकारी लेंगे कि किस तरह वो उत्तर प्रदेश में अपने कामों को लेकर चर्चा में है। क्या क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? चंद्रशेखर शुक्ला हूँ मैं, सुल्तानपुर जनपद से बिलोंग करता हूँ। 30 साल हो गया बम्बई रहते और यहाँ से लेकर गाँव तक समाज सेवा क्षेत्र से काफ़ी टाइम से जुड़ा होने के चलते इस समय पॉलिटिक्स में भी हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। और हमारी पत्नी जयसिंहपुर ब्लॉक सुल्तानपुर का जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वहाँ से ब्लॉक प्रमुख निर्दलीय जीत के आई है अभी फरवरी वाले चुनाव में। मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है और वहाँ पर ऑलरेडी जहाँ से आपकी धर्मपत्नी जीत कर आई हैं वो अगर गढ़ देखा जाए तो सपा की है, लेकिन आपने इतना बड़ा चुनाव वहाँ पर जीत के अपने पत्नी को लाया, किस तरह लाए होंगे, किस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा? हम लोगों की पृष्ठभूमि वहाँ पर बहुत मजबूत है क्योंकि समाज सेवा क्षेत्र से काफ़ी समय से जुड़े हैं। भले कांग्रेस पार्टी से हूँ, कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर हमको डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन हम अपने कार्यों के चलते और हमारे परिवार की जो पृष्ठभूमि है उसके चलते वहाँ पर जनता ने हमको प्राथमिकता दी और मेरी पत्नी निर्दलीय के तौर पर चुनकर आई हूँ। अगर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स अगर देखा जाए और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो हिसाब से अभी चल रही है और कांग्रेस पार्टी जो है कि काफ़ी वहाँ पे मशक्कत करना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार लाने के लिए, तो किस तरह आपका रवैया रहा है वहाँ? 27 साल यूपी बिहार का जो नारा दिया है और हमारी पार्टी ने जो नेताओं को आगे लाया है, चाहे शीला दीक्षित जी होने दो, चाहे राज बब्बर जी होने दो, संजय सिंह वहाँ पर, प्रमोद तिवारी जी हैं, रीता बहुगुणा जोशी हैं, ये सारे नेताओं का जो शुरुआती का अभियान है उसमें जनता त्रस्त है। और जो उन्होंने नारा दिया है कि हम लोग किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, उनके घर घर जा कर के जो किसानों के बीच में हम लोगों को प्रसाद मिल रहा है, निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। और ऐसा हमको लगता है कि आने वाली सरकार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की होगी। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, अगर यूपी में सरकार बन जाती है तो आपकी पार्टी किस तरह लोगों की मदद करेगी और क्या क्या बड़े काम करेगी? किसानों के सारे कर्ज माफ़ की पहली योजना है। किसान रात को नींद चैन की नींद सो नहीं पा रहा है, उसके ऊपर कर्ज के बोझ के तले दबा है। सबसे पहला संकट काटेंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करें। कहना है कि यूपी का विकास ही हमारा काम है और हम यूपी का विकास करना चाहते हैं। हमारी पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम यूपी का विकास करें। हमारे साथ मैडम जी भी मौजूद हैं, आइए हम मैडम जी से भी कुछ जानकारी लेते हैं किस तरह वो चुनाव लड़कर ब्लॉक प्रमुख की आज चुनाव चिन्ह जो लड़ी हैं ब्लॉक प्रमुख पे, आज जो उस पर पद पर बैठी हुई, किस तरह उनका दौरा रहा।